नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। दोस्तों आप तो जानते हैं शुक्रवार यानी कि शुक्र ग्रह का दिन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जो अगर आपने कर लिया तो शुक्रवार के दिन अगर आप अपने नहाने के पानी में डाल दिए तो दोस्तों तो आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कभी कभी दोस्तों हमें शुक्र ग्रह दोष के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हो या दोस्तों आपके खुद के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हो तो दोस्तों आपको इस उपाय के बाद लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, बहुत चिकित्सा कराने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो रहा है तो आपको उसके लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस उपाय को जरूर करो। दोस्तों हमारे इस उपाय से बहुत से लोगों को बहुत सा लाभ मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों कोई व्यक्ति कुछ खरीदने जाए तो अगर वो चीज़ 10 रुपए की हो तो दुकानदार बोलता है कि 8 रुपए का है, जैसे कि उसके 2 रुपए बच जाते हैं। बड़ी चीज़ दोस्तों जैसे 10,000 की चीज़ हो तो उसमें भी उसके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। ये बदलाव दोस्तों इन उपायों के कारण हो सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस शुक्रवार के उपाय के बारे में। दोस्तों आपको एक हरी इलायची लेनी होगी। इलायची लेकर दोस्तों आपको अपने पूजा घर के सामने बैठ जाना है। दोस्तों उस हरी इलायची को आपको अपने पूजा घर के सामने रख देना है। इलायची को रखने के बाद दोस्तों आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः इस शुक्र ग्रह निवारण दोष निवारण मंत्र का आपको 21 बार जाप करना होगा। उसके बाद दोस्तों उस इलायची से आपकी जितनी भी परेशानियां हैं बोल देना होगा। दोस्तों यदि ये उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो तो उस व्यक्ति की परेशानियां भी इस इलायची से बोल सकते हो। परेशानियां बोलने के बाद दोस्तों आपको अपने खुद के सर पर से 7 बार उल्टा घुमाना होगा। दोस्तों यदि आप ये उपाय किसी और व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो आप उस व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लो। घुमाने के बाद आपको कटोरे में पानी उबलने के लिए रख देना होगा। जैसे ही दोस्तों पानी उबलने लगे उस इलायची को पीस कर उसका चूर्ण बनाकर उस पानी में डाल देना होगा और इस पानी को दोस्तों 5 मिनट तक उबालना होगा। उसके बाद दोस्तों इस पानी को आप अपने नहाने वाले पानी में मिक्स कर लें और इस पानी से आपको नहाना होगा या जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति को इसी पानी से नहला देना है। इस पानी से नहाने के बाद दोस्तों आपकी परेशानियां या उस व्यक्ति की परेशानियां दूर हो जाएंगी और दोस्तों आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। नहाने के बाद दोस्तों आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों इस उपाय को आपको कभी भी शुक्रवार के दिन में करना होगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।